नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक आवाज़ दामोदर मिश्रा के साथ। पीएम मोदी जब काशी विश्वनाथ में पूजा कर रहे थे तब ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा था, चलिए डालते हैं एक नज़र इस बड़ी खबर पर विस्तार से। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पूजा और भ्रमण कर रहे थे, उस वक्त मंदिर के ठीक बगल में खड़ी मुगल काल में बनी विशाल ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आज अपने उद्घाटन के साथ पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए मंदिर परिसर के आसपास बने मकान और अन्य स्थल हटाए गए हैं। खुली ज़मीन में ज्ञानवापी मस्जिद अब पहले से ज़्यादा साफ और बड़ी दिखने लगी है। उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी पूजा कर रहे थे बाबा विश्वनाथ का, तो ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद की इंतजामिया समिति काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से खुश है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी के संयुक्त सचिव सैयद एम यासिन कहते हैं, कॉरिडोर से मस्जिद भी सुरक्षित हुई है। कॉरिडोर के उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए यासिन कहते हैं कि जिस समय प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में थे मस्जिद में नमाजी आ रहे थे, मुसलमानों को मस्जिद में पहुँचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई है बल्कि पहले से आसानी ही हुई है। हम खुश हैं कि इतने शांतिपूर्ण माहौल में कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद भी है। हिंदूवादी समूह आरोप लगाते हैं पहले यह मूल काशी विश्वनाथ मंदिर यही था जिसे तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद की ऊंची मीनार से होते हुए नज़र जब नीचे आती है तो मस्जिद मंदिर सी लगने लगती है क्योंकि इसकी मूल दीवार अभी भी प्राचीन मंदिर का ढांचा ही लगती है। इस मस्जिद को लोहे के मजबूत जाल से घेरा गया है और इसकी सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान 24 घंटे मुस्तैद खड़े रहते हैं। बाहरी लोगों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ स्थानीय मुसलमानों को ही मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। सैयद एम यासिन कहते हैं, ये पूरी परियोजना बहुत अच्छी है और हमें खुशी है कि यहाँ अच्छा काम हुआ है। हमारे लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, हमारे नमाजियों को मस्जिद में जाने से कोई परेशानी नहीं हुई है। एक तरफ मंदिर में पूजा हो रही है और दूसरी तरफ मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। विश्वनाथ धाम के इस लोकार्पण से जितनी खुशी हिंदू भाइयों को है उतनी ही खुशी हमें भी है। जो कुछ दिक्कतें थी अब वो भी दूर हो जाएंगी। वाराणसी का माहौल बताते हुए यासिन कहते हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और मस्जिद में नमाजियों की भी। हम सभी को इस ऐतिहासिक पल की मुबारकबाद देना चाहिए। ज्ञानवापी एक ऐतिहासिक मस्जिद है, इसका प्रबंधन मुसलमानों की समिति करती है जो वाराणसी की अन्य मस्जिदों की जिम्मेदारी भी संभालती है। वे कहते हैं कि मुसलमान मस्जिद के लिए किसी भी तरह का फंड सरकार से नहीं लेते हैं, मस्जिद की ज़रूरतें मुसलमानों से मिलने वाले पैसे से पूरी हो जाती हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई विवाद भी अदालतों में चल रहे हैं। इसी साल 8 अप्रैल को वाराणसी की एक अदालत ने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। यासिन बताते हैं कि यहाँ की स्थानीय अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है, पुरातात्विक सर्वेक्षण पर स्टे है। इसके अलावा एक मामले में फैसला सुरक्षित है। जो स्थानीय अदालतों में मुकदमे हैं वो प्राइमरी स्टेज पर हैं। इस तरह के मुकदमों से लोगों को राजनीतिक फ़ायदा भी मिलता है, कुछ लोग शोहरत हासिल करना चाहते हैं, ऐसे में मुकदमे तो चलते ही रहेंगे। हम मुकदमों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद की जगह भगवान राम के मंदिर के बनने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। वहाँ मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है लेकिन बहुत से लोग ये नारा देते हैं कि अभी काशी मथुरा बाकी है। इस तरह के नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए यासिन कहते हैं कि ऐसे नारों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नारा देने वाले वही लोग हैं जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और अपनी शोहरत चाहते हैं। मथुरा को लेकर फैसला आ चुका है। यासिन कहते हैं कि वाराणसी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं, इनमें दरार डालने की कोशिशें होती रही हैं लेकिन इस तरह की कोशिशें नाकाम ही रहती हैं। हम सब आपस में मिलते जुलते हैं, नमाज पढ़ते वक्त पढ़ने आते वक्त दुआ सलाम होती रहती है। कुछ महीनों बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, धार्मिक मुद्दों को भी हवा दी जा रही है। क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या काशी मथुरा भी चुनावों का मुद्दा हो सकते हैं? इस सवाल पर यासिन कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं धर्मस्थलों के संरक्षक हैं, मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमानों के मुद्दे से बड़ा मुद्दा विकास का है और प्रधानमंत्री भी इस बात को समझते हैं। काशी विश्वनाथ का भी उन्होंने विकास ही किया है
और चुनावों में वो इसके आधार पर वोट तो मांगेंगे ही, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जो काम करता है वो उसे दिखाता भी है। वाराणसी में कई लोगों ने दावा किया है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बनाकर रहेंगे। ऐसे लोगों का जवाब देते हुए यासीन कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है और रहेगी। हम जिस तरह भाईचारे की बात करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी भाईचारे की बात करें। ऐसी कोई बात ना हो जिससे हमें तकलीफ़ हो, क्योंकि हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे आपको तकलीफ़ हो या उन्हें तकलीफ़ हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार।